दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने अपने पेरेंट्स के द्वारा पसंद किए गए लड़के राहुल नागर से शादी कर ली है, जो कि एक नेवी ऑफिसर है, जिनके साथ इन्होंने सात फेरे लेकर घर बसा लिया है और अपनी शादी की कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें ये एक दूसरे के साथ काफी प्यारे लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने अपने पति राहुल नागर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसके बारे में शायद ही आपको कुछ पता हो। तो इसीलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको श्रद्धा आर्या द्वारा इसी बड़े खुलासे के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं श्रद्धा आर्या के पति राहुल नागर के बारे में, तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। पर उससे पहले एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कुंडली भाग्य सीरियल से फेमस हुई अदाकारा श्रद्धा आर्या ने 16 नवंबर साल 2021 को नेवी ऑफिसर राहुल नागर के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं, जिनकी शादी से लेकर विदाई तक की कई फोटोज और वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं। जिनकी शादी से लेकर विदाई तक की कई फोटोज और वीडियोस तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका इनके फैंस को बड़ा बेसब्री से इंतजार था। इसी के साथ आपको बता दें, श्रद्धा आर्या ने अपने पति राहुल नागर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया हुआ है। जी हाँ, इन्होंने कहा कि राहुल नागर बहुत अच्छे और प्यारे इंसान हैं। वो काफी प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं और मेरा काफी अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। बस मुझे इनके जैसा ही पति चाहिए था और अब जब भगवान ने मेरी सुन ली है, थैंक यू भगवान जी कि आपने मेरी बात सुनी और मुझे एक ऐसा पति दिया जो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखे, मेरा हर छोटी बड़ी चीज में मेरा साथ दे, जो मेरा काफी अच्छे से ख्याल रखे, हर छोटी बड़ी चीज में मेरा साथ दे और जिसे मेरी काफी परवाह हो। और अब जब राहुल नागर में मुझे ये सब खूबियां दिखी, तो मैंने उनको अपना हमसफर बना लिया है। इसीलिए आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब तो बस मैं यही चाहती हूँ कि हर जन्म में मुझे बस इन्हीं का साथ मिले। तो दोस्तों, आपको श्रद्धा आर्या की इस बात को लेकर क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।